तो क्या भाईजान, एक बड़ी गजब की चीज पौधे में से निकली है। वो मैंने आपको दिखानी है, तो देख के हैरान हो जाओगे आप लोग भी। ये क्या पौधे में से निकल आया, तो इसको भी कहीं छोड़ के आते हैं यार। ये ऐसे बेचारा मरवाया जाएगा, अच्छा थोड़ा ना लगता है। इसको कहीं नीचे वीचे छोड़ देंगे हम, नीचे जाएंगे पानी वानी वहाँ पे। हमारा प्लान सुन लिया क्या? 184 लोगों ने हमारा प्लान सुन लिया। खैर हमें तो देखते हैं दोस्तों। यार इतनी बेइज्जती कर रहे हैं यार, सपोर्ट आप नहीं करते। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को शेयर करो, वीडियो को भी दबा दबा के शेयर करो, अपने और फैमिली मेंबर्स को मेरे चैनल दिखाओ और उनसे कहो कि सब्सक्राइब करें आपके भाई को। तो समझ गए, अब समझाने की जरूरत नहीं है। अच्छा तो दोस्तों भाइयों, सारे काम फारिग हो चुके हैं, तो अब क्या करना है यार? अब हम बनाने गए रोटी। तो छोटे भाईजान ब्लॉग बना रहे हैं, जैसे बनाए कॉम्प्रोमाइज कीजिएगा, मैं इसको कुछ नहीं कह सकता। बंदा बन गया रोटी बना रहा है। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह ताला की रहमत और करम के साथ अपने आज के मंदर से ब्लॉग का कर लेते हैं। तो भाई जिस किसी लगे तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले जाओ सब्सक्राइब करो, घंटी दबाओ ताकि आपके भाई की हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको बरो मौसूल हो सके। तो अल्लाह ताला के प्यारे नाम के साथ अपने आज के मदर से ब्लॉग का कर लेते हैं आगाज। सो वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। अच्छा तो दोस्तों, अल्लाह तला के फजल करम के साथ ब्लॉग का हो गया है इंट्रो। तो दोस्तों यार कल के ब्लॉग में जैसे कहना कहते सरप्राइज है, लेकिन अगले दिन होगा, तो आज वो सरप्राइज बिल आज से रिवील करने का वक्त आ गया, लेकिन अभी नहीं कर रहा, थोड़ी देर से करूँगा। तो दोस्तों आप लोगों ने प्लीज़ मुझे एक दरख्वास्त की है मेरी मम्मा के लिए, आपने ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करने की। मम्मा की तबीयत अभी भी सही नहीं है, काफ़ी तकलीफ हो रही है मम्मा को। मम्मा देखे लेट के सोई पड़ी है, होश ही नहीं है, टीवी देखते देखते सो गई हैं। तो वो जब पेरेंट्स को देख कर आते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, बाद में देखते आपको सरप्राइज दिखाते हैं। तो भाई क्या हो गया तेरे को, क्या कौन हो गया? और ये रहे मेरे तोते साहब जी, और ये देखो फुल मौसम को एंजॉय कर रहा है, क्योंकि अब इनका पर्दा खुल चुका है। तो तू क्या कर रहा है ये? चल यहाँ पे परफ्यूम का कलेक्शन बड़ा है, चार बाजार परफ्यूम लगा रहे हैं दबा दबा के। भैया कॉलेज को नहीं गए? इसमें एक बहुत महंगा गुच्ची का परफ्यूम रखा है मैंने। अच्छा ये कैमरा के सामने, तुझे पता नहीं आज ही व्लॉग आएगा और बाबा ने देख लिया तो कुट पड़ी है। अब्बू ने छुट्टी कराई है, अब ज्यादा दिमाग नहीं चला मेरा। ठीक बदतमीजी, सॉरी बोल। सॉरी तीन बार पूछ गया नहीं, एक बार आ गया ना कैमरे के सामने नहीं पूछ के, तेरा कैमरा ब्लर हो जाएगा। नो पागल हो गया तेरी, तू पागल कैसे हो गई तेरी? तो मम्मा देख रही बोल ड्रामा जा रहे हैं सारे यार। मैं तो देख के सामान पर परफ्यूम दिखाऊंगा। दिखा, ये देखो ये परफ्यूम है। अच्छा अभी और इसका एक फीचर। चल वापस, ये क्या तेरा धुआं निकला तेरे पीछे? चल नहीं गंदा बच्चा। हाँ मेरे को पता है ये सीक्रेट है, चल इधर। तो दोस्तों यार उससे पहले उठा ले बिस्तर, जल्दी पहले बिस्तर उठाते हैं और उसके बाद अपना सरप्राइज रिवील करते हैं। नहीं यार पहले सरप्राइज रिवील कर देते हैं और पहले वही वाला काम कर देते हैं, उसके बाद बिस्तर उठाएंगे, क्योंकि पहले वो वाला काम ठंडे ठंडे वक्त कर लेंगे और गर्म टाइम बाद में फिर बिस्तर उठा लेंगे आराम से। तो बिल आके सरप्राइज रिवील होने लगा है, थंबनेल टाइटल से अभी तक तो ज़्यादा मार लिया होगा आपने। तो भाईजान ये चेक करो गुलाब का पौधा, मैंने कहा था ना भाईजान मैं कुछ लाने वाला हूँ। तो भाइयों आज ये गुलाब का पौधा इस गमले के अंदर लगेगा, जैसे मैंने आप लोगों से कहा था मैं इस गमले में कुछ ना कुछ लगाऊंगा, तो कल ही लेकर आ गया था मैं, तो ये रखा हुआ था। तो आज इसको करते हैं इंस्टॉल, दैन इंस्टॉल मतलब मिट्टी में लगाते हैं और फिर इंशाल्लाह बहुत सारे मज़े मज़े के गुलाब देखेंगे और आपको दिखाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हो पहले इसको अल्लाह ताला के फजल करम के साथ, अल्लाह ताला के प्यारे नाम के साथ इसको लगाते हैं, ताकि अल्लाह ताला इसको अच्छी सी ज़िंदगी दे, को खूब बरकत वाला बनाए, खूब बड़ा करे और खूब यानी इस पर फल लगे, इसका यानी फूल लगे ढेर सारे, और फिर आपको तोड़ तोड़ के मिलाद में रख दिया करेगा। समझा करो यार घर का गुलाब, घर की खेती। तो अब जल्दी जल्दी से क्या करते हैं, इस गुलाब को लगाते हैं गमले में। चलो स्टार्ट करते हैं। अल्लाह
ताला के फजल करम के साथ, अल्लाह ताला के फजल करम की वजह से टाइमलेस में आपने देख लिया होगा कि हमने अपने पौधे को इंस्टॉल कर दिया। बस अब पानी देते हैं इसको और खाद की ज़रूरत है, खाद में इंशाल्लाह ला के डाल दूंगा। तो ये वाला पौधा मैंने यहाँ पर रखा था, इसको भी उठा के इसकी जगह पर दोबारा कर देंगे हम। अल्लाह दी बरकत आए थकाश डे। और दोस्तों एक और बड़ी चीज़ की मैं मज़े की चीज़ आपको दिखाता हूँ, एक बार पौधे की सेटिंग कर लो। पहले ये हो गया सेट अपनी जगह पे दोबारा। तो क्या भाईजान एक बड़ी गजब की चीज़ पौधे में से निकली है, वो मैंने आपको दिखानी है। तो देख के हैरान हो जाओगे आप लोग भी, ये क्या पौधे में से निकला है। तो इसको भी कहीं छोड़ के आते हैं यार, ये ऐसे बेचारा मरवाया जाएगा, अच्छा ढूंढना लगता है। इसको कहीं नीचे वीचे छोड़ देंगे हम, नीचे आए हैं पानी वानी वहाँ पर। तो ये चेक करो क्या निकल आया भाइयों, ये तो स्नेल आ गया और देखो किस तरीके से चल रहा है। चेक करो पौधे में से बस नहीं निकला है, तो मैंने उसको निकाल लिया था बाहर, इनके अंदर था पत्तों के अंदर, तो मैंने बाहर निकाल दिया था। वो कहाँ गया, वो कहाँ गया भैया, देखो किस तरह चल रहा है, ज़रा चेक करो। ओ भाई साहब ज़रा चेक तो करो, ए सेट हो जा कैमरा, देखो दोस्तों ब्लर कर देता है, इतनी छोटी चीज़ है। हाँ आप देखो क्यों कितना प्यारा लग रहा है, उसको ना नीचे सेफली छोड़ के आया था ताकि बेचारे को मर भर आना था किसी पैर के नीचे आके, तो इसको नीचे छोड़ गया। तो दोस्तों सेफली मैंने इसको पेपर पर डाल दिया, लेकिन एक कांड हो गया, मैंने सोचा था खुद बहुत आ जाएगा, वो हवा की वजह से पेपर एकदम से हिलाना बेचारा डर गया। तो इसको मैंने बंद कर लिया, अब गिरेगा भी नहीं, तो इसको सेफली नीचे छोड़ के आ जाते हैं। भाई आ गया यार, दरवाज़ा खोलियो यार, ज़रा बड़ी मेहरबानी होगी यार, मैं लितर मारांगा ना वो तो आ जाएगा यार, खोलूंगा कैसे दोनों हाथ उसे। अरे हो गया, हो वो खुल गया, उड़ मत जाइए। क्या डाल दिया, कुछ भी नहीं करा मैंने, तो नीचे छोड़ के गिरने लगा था, बच गया। तो दोस्तों आँच हो गया है, तो इसको छोड़ेंगे कहाँ भाई, इस ग्रीनरी पे। तो देन छोटे उस्ताद अलविदा, हम आपको अल्लाह हाफिज़ करते हैं, अल्लाह हाफिज़। तो इसको अब छोड़ देते हैं यहाँ पर, यह घास के अंदर ही छोड़ दूँगा ताकि सेफ रहे। बस चलो चला गया, ये घास के अंदर घुस गया, तो हमने घुसा दिया घास के अंदर ताकि ये वहीं पर रहेगा, खा वहाँ कुछ तो इससे मतलब की चीज़ें मिल जाएगी खाने पीने की, कुछ घास है ना और भी जगह होती है, सेट रहेगा वहीं पर, एक घास से छुपा रहेगा, बचा रहेगा से, तो बोलते हैं चुड़िया हो सकता, चुड़ियाँ शिकार कर जाती है इसका। तो अरे अब जाके अपने फूलों को देखते हैं, कर रहा है इसको क्या सुन रही मामा, मोयमा सुन रही हो, और मैं डालता हूँ यार अम्मा को भी यार, डॉक्टर के पास लेके जाना है इशू, तो नेक्स्ट ब्लॉग में होगा नहीं तो कोई सरप्राइज वाले ब्लॉग का अलग ब्लॉग है बिल्कुल। कौन सा सरप्राइज बता दिया मम्मा, वो डॉक्टर ये सरप्राइज है, शर्म नहीं शहर घुमाइयो तो लोगों को, हां शहर मम्मी का अल्ट्रासाउंड। तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पौधा इंस्टॉल हो चुका है, तो उसको देना है पानी, तो इंशाल्लाह पानी देते हैं। सही हो गया, जरा बताओ आपसे मोबाइल की दुकान में डाका मारेंगे, सही हो गया मारेंगे मोबाइल की दुकान में डाका, चल मेरा भाई हो गया वी आई पी प्लान, किसको ना बताइयो। तो दोस्तों इस घास का क्या करो, इस घास 184 लोगों ने हमारा प्लान सुन लिया, क्या 184 लोगों ने हमारा प्लान सुन लिया, दोस्तों यार इतनी बेइज्जती कर रहे हैं यार, सपोर्ट आप नहीं करते, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को शेयर करो, वीडियो को भी दबा दबा के शेयर करो, अपने और फैमिली मेम्बर्स को मेरे चैनल दिखाओ और उनसे कहो कि सब्सक्राइब करें आपके भाई को। तो समझ गए, अब समझाने की ज़रूरत नहीं है, तो अब पौधे को पानी देता है ला के पहले। अच्छा तो दोस्तों भाइयों अभी क्या करना है, अब कुछ नहीं, पानी डालने के लिए पानी ले आया हूँ, तो अल्लाह ताला का नाम लेके बिस्मिल्लाह रहमान रहीम करके पानी डाल दे, इधर डाल दे थोड़ा सा पानी अपना, बस बहुत इतना है, ज़्यादा पानी नहीं डालना कि पौधे जलने, इसको पता नहीं क्या हुआ, जिस दिन से मैंने दोबारा इसको उखाड़ के लगाया ना थोड़ा ऐसा सेट हो जाएगा इंशाल्लाह आने वाले दिनों में। अब इसको बिस्मिल्लाह अपने नए पौधे को पहला पानी लगाने लगा हूँ, बिस्मिल्लाह दी बरकत। तो काफ़ी ज़्यादा लगा लेंगे, पहले लगाएंगे मिट्टी पूरी नीचे खुश्क है, तो सारा पानी लग चुका है, ये बचत हो गई, बाहर आया था पानी, देखा था आया भी है थोड़ा सा पानी, बाहर नहीं थोड़ा सा भी नहीं आया, हाँ आ गया थोड़ा सा पानी बाहर आ गया, लेकिन खैर है अभी हल्के हल्के नीचे चला जाएगा पानी। तो अल्हम्दुलिल्लाह पहला पानी भी हमारे पौधों को लग चुका है, अब क्या भाई अब जा रहे हैं पानी की केन लेने के लिए, तो जल्दी ले जाते हैं, सबसे पहले पानी की केन ले आते, तो इंशाल्लाह बाकी ये बातें बाद में करते हैं।
दोस्तों यारों मैं आप लोगों के इल्म में एक और बात लाना चाहता हूँ। जब भी पौधा लगाऊँ ना गीली मिट्टी नहीं होनी चाहिए, ना कि बिल्कुल खुश्क होनी चाहिए। आपकी जो मिट्टी है ना, यानी कि हम जिसे कहते हैं वतर, हमारे यानी कि जब ज़मीन में भी जब कोई चीज़ बोई जाती है तो वतर होनी चाहिए ज़मीन के अंदर। उससे ये होता है कि ज़मीन का जो टेम्परेचर होता है ना वो नॉर्मल हुआ होता है, स्टेबल हुआ होता है। इससे कहते पौधे के जो फिशेज में होता है ना कि आपको पानी उनका पहले एक्वेरियम के साथ वो करना पड़ता है आपको सैंपल, तो उसी तरीके से ठीक इनका हिसाब किताब होता है। पौधों को भी दोनों मिट्टियाँ जब एक अलग मिट्टी और एक अलग मिट्टी मिक्स होती है तो इनको भी आपस में टेम्परेचर चाहिए होता है, तो इसका भी खास ख्याल रखा करें। तो अलहमदिल्ला हमारा पौधा लगे। और दोस्तों आप लोगों से मैंने गुजारिश नहीं, एक सिफारिश भी नहीं, आपसे मैं कमेंट बॉक्स में पूछना चाहूँगा कि हम अपने इस ये गार्डन ही हो गया हमारा एक किस्म का, तो इसको क्या नाम दें, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह कल हम नाम रिवील कर देंगे जो मेरे दिमाग में भी है, और आप लोग भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मज़ीद नाम, तो इंशाल्लाह कल फैसला हो जाएगा कि इसका क्या नाम रखें अपने। और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में शायद हम और पौधे बढ़ा दें, लेकिन मेरे को मसला था इसकी वजह से होता है, आउटर नीचे है ना हमारा, इस वजह से कोई पता नहीं। बाबा इसको ऊपर करा दे, मैंने बाबा से बोला तो बाबा देखते क्या बोलते हैं इसके बारे में, लेकिन अभी क्या अभी कुछ नहीं। अब जाते हैं वो पानी में खेल जाते हैं, सारे काम होते हैं। देखो पानी खुश्क भी हो चुका है सारे का सारा नीचे, यानी कि जा चुका है अंदर तक, तो सही बात है। यानी कि तीन प्लांट हो चुके हैं, एक दो तीन, ये सदाबहार है, यानी कि ये सदाबहार रहता है। ये हमारी चंबेली यानी कली है, इस पर कलियाँ लगती हैं, और ये हमारा एक आ गया गुलाब। तो रात की रानी का ही प्रोग्राम है पापा से कहा, तो देखते अब क्या बनता है, लेकिन जाके बातें कम करते हैं, पानी यकीन ले आते हैं इंशाल्लाह जल्दी जल्दी जाएंगे। चलो दोस्तों भाइयों अब क्या बात है, अब ये बात है पानी यकीन लाए तो काफ़ी टाइम हो गया। तो शाहिद भाईजान तुम तो आज गए नहीं, तो सिर्फ लैपटॉप ही चलाया है आपने, आपको ये एजाज़ दिया जाता है। हाँ पढ़ा भाई, तो अभी लेके चलते हैं लैपटॉप को। 2 बजे उन्होंने बोलता आज लेके लैपटॉप को चले, लैपटॉप को नहीं चल बेटा बंद कर, मैं लेके जा रहा हूँ। तो दोस्तों लैपटॉप यहाँ मैंने चेक करा, उसकी बैटरी बहुत ज़्यादा तंग कर रही है, तो बाबा से कहा कंफर्म कर लेता हूँ कि दिखाऊं कि नहीं, तो बाबा ने जैसा बोलते हैं चला वैसा कर, तो लैपटॉप को भी लेके जाते। उसके अलावा यार एक और काम है, वो ब्लॉग के मतलब करके ब्लॉग उसकी तरह कैरी नहीं करते, भाड़ बढ़ा लो। तो मम्मा की तबीयत कुछ ये है कि अभी सही नहीं है, तो दुआ कीजिएगा जल्दी जल्दी मेरी अम्मा जी सही हो जाए, अपने काम दोबारा करने लग जाए, क्योंकि हमें करना पड़ता है काम। और अभी दोपहर में खाना ही बनाना, खाना नहीं बस रोटी बनानी है, सालन तो मैंने कल रात को बनाया था, वही लाया, तो रोटी छोटी बनानी है, लेकिन उससे पहले एक जरूरी काम है वो करके आ जाते। अच्छा तो दोस्तों भाइयों सारे काम फारिग हो चुके हैं, तो अब क्या करना है यार, अब हम बनाने गए रोटी, तो छोटे भाईजान ब्लॉग बना रहे हैं, जैसे बनाए कॉम्प्रोमाइज कीजिएगा, मैं इसको कुछ नहीं कह सकता, बंदा बन जाए रोटी बनाने से। तो दोस्तों सबसे पहले बनाने के पेड़े सिनेमैटिक, सिनेमैटिक हाथों को थोड़ा सा आर्ट भाई, सिनेमैटिक शॉट तो लेने देना, आ दे दे ले लिए, अब दूर हो जाए सर, अब मेरे बात पहले ना आटे में हाथ कर लेंगे, तो आटा हमारे हाथों के साथ मैच मड़े हो चुके। तो ऐसे हम एक मुट्ठी ले लेंगे आटा और इसको ऐसे इसमें डाल देंगे। हाथ आ रहा जरा बीच में, ऑडियंस को नजर नहीं आ रहा, तो थोड़ा दूर करके दिखाना सर, थोड़ा दूर से भाई दिखाते हैं। अब ऐसे ना इसको पेड़ा बना देंगे हम, तो आटा थोड़ा और मजीद ले लेंगे, एक मुट्ठी आटा यानी कि एक रोटी का पेड़ा। तो इसी तरीके से सारे के सारे बनाने हैं पेड़े, बल्ले बल्ले शाबाश। फिर उसके बाद मिलते हैं दोस्तों, उसके बाद नहीं मिलते, इधर का मेरी तरफ करो कैमरा। तो हाँ तो ये जो पेड़ा है ना इसको ऐसे गोल 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 कर लेंगे, और ये हो गया मेरा शाह मोहम्मद का पेड़ गोल गोल। तो अब इसी तरीके से हम सारे के सारे पेड़ बना लेंगे। यिपड़ी यिपड़ी कुपड़ी को, चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। आपकी अंदर नहीं घुसना, अंदर नहीं घुसना, शक्ल दिखाऊंगा तुम्हारी, नहीं नहीं बस ये हाथों से जो काम कर रहा है ये देखा। तो पहले रोटी दबा ली अच्छी तरीके से, बाहर लाके भी थोड़ा ऐसे करके इसको दोनों हाथ लियो में, हम ऐसे तेलियों में, हाँ हाथ लियो में, तो तेलियों में ऐसे ऐसे कर लेंगे रोल, हम रोल और तवा भी गरम हो गया होगा हमारा, तो पता ही रोटी गोल बनती है कि नहीं, क्योंकि एक दो रोटी प्रैक्टिस के बाद ही गोल रोटी बनती है, तो बस अब देखते हैं कि रोटी बनती है नहीं हमसे गोल के नहीं, कोशिश करेंगे गोल रोटी बनाते, थोड़ा आटा कुछ नीचे डाल देते हैं
ताकि हमारा जो नीचे आटा था चिपड़ जाए, तो बिस्मिल्लाह चिमड़ जाए क्या होता है, चिपक जाए। तो अब अल्लाह ताला का नाम लेके अब इधर दिखाओ जरा दूर से। बेले आ रहा है देखो, ये क्या, ये शेफ बनेगा, ये शेफ बनेगा, ये कच्ची रोटी मिलेगी आज शाम। सुबह भी चकोर सा पराठा मिला है। कौन सा चकोर? सुबह आपके भाई ने बनाया था ना, दूर से दिखाते हैं, करीब से थोड़ा दिखाता है। सीने में अब जल गई। क्या जल गई? हाँ जल्दी तवे पे रोटी डालो, मैं व्लॉग बंद करूँ फिर। अब देखते इसकी रोटी तवे में कब आती है, हम तवे की तरफ ही मोबाइल करके रखेंगे। चला भाग बेटा, रोटी खराब हुई ना तेरे को, साथ खराब हो गई। मैं तवे पे तो डाल लें, ये हो गई खराब। नहीं भी बचा दो, इधर 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 देख के बोलो ये कामयाब हो गए। रोटी दिखा बेटा उधर, मैं बस टाइम लैप्स शुरू कर देता हूँ। फाइनली आपके भाई ने बिल आखिर बहुत ज़्यादा मेहनत और मुशक्कत के साथ रोटियां बना ली है। थोड़ी सी अपनी बाजी की मदद ली है, बाजी असल में काम कर रही थी, इस मैं रोटियां बनाने लगे था, इसको भी आता है बनाना। आपके ये समझो कि बहन है घर में, फिर भी तुम कर रहे हो यार। ऐसे माँ बाप की खिदमत करनी चाहिए, अच्छी बात होती है। आप लोग भी करा करो, सब लोग जब माँ बाप ऐसे तकलीफ में हो तो करा करो मदद, ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत करा करो। सही है, मेरा सजेशन तो आपको ये रहेगा। तो उसके अलावा रोटियां आपके भाई ने सारी की सारी मेक कर ली हैं और यहाँ पर रखी हैं, ताकि नौ रोटियां आपके भाई ने बनाई हैं अपने सिस्टर की हेल्प की मदद के साथ। सिस्टर ऐसे उनको सीख रही थी, मैं बना बना के तवे पे डाल रहा था। तो अभी जो सालन है ना हमारा, जो मैंने कल रात को बनाया था, इसको करा जा रहा है गर्म। सही आएगा खा के चिकन। तो दोस्तों अब क्या, अब जैसा लगने लगा तो फिर जैसा भी होगा आपके साथ शेयर करेंगे, तो देखते फिर क्या करते हैं। A few moments later. अच्छा तो दोस्तों भाई अल्हम्दुलिल्लाह दोपहर का खाना शाना खा के फारिग हो गए थे, देन फिर गए थे डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर साहब हमारे को मिले नहीं, तो दोबारा आ गए। अब 7 बजे दोबारा जाना है डॉक्टर के पास, लेकिन ये अम्मा जी चुप नहीं हो रही है, मेरे को ब्लॉग नहीं बना रही। अम्मा मैंने ब्लॉग बना दे, मेरे नाम मेरी माँ पर कोई गल कोई पाला थोड़ा जहा पाला तो असल में अम्मा ने चाय बनवा रही है, तो उसके लिए बता रही है ऐसे ऐसे करो। तो उसके अलावा यारो इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करने लगा हूँ, क्योंकि थक बहुत ज़्यादा आ चुका हूँ। तो बाबा जी हमारे आ चुके हैं, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी तो ये फिर से लड़े आते थक सलाम लेने के लिए उठा था कैमरा में, वैसे तो सलाम ले चुके हैं। तो दोस्तों आज का व्लॉग यहीं तक था, अगर अभी तक ये व्लॉग मेरा अच्छा लगा हो ना, जो मैंने खिचा पीटा था बनाया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दे, लाइक कर दिया और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल भी कहीं भी मत जाना, जल्दी जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो, घंटी दबा दा के आपके भाई की हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको प्रोडक्ट मोस्ट हो सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलने किसी और नेटवर्क किसी ने कॉन्टेक्ट किसी ने व्लॉग के साथ, सो लेट्स चेक के वो बटाड़ा, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।